हेलो माय फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। फिलहाल हम इस गेम में लैंड करते हैं रोजॉक में, क्योंकि रोजॉक ही प्लेन पाथ के सबसे करीब था। गन लूटते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। फिलहाल उस पहले वाले बंदे के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका दूसरा टीममेट आता है मेरे को मारने, तो उसको भी हम फिनिश कर देते हैं। इतने में मुझे पीछे से गोलियां पड़ने लगती हैं, तभी इस बंदे को फिनिश करके हम आगे बढ़ते हैं। इस बंदे को हम फिनिश कर देते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब इस टीम के दो बंदे नॉक कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता था अभी भी इसके कहीं बंदे अलाइव हैं, इसीलिए मैं थोड़ा संभल के खेल रहा था। फिलहाल इस टीम के तीनों बंदे खत्म कर देता हूँ। अब एक बंदा कहाँ था मुझे नहीं पता था, तो मैं सोचता हूँ पहले लूट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं कंफर्म तो नहीं था, लेकिन मुझे लग रहा था ये शायद उसी टीम का बंदा है, इसीलिए मैं पहले स्मोक करके यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। फिलहाल ये बंदा यहाँ से जा चुका था, शायद पीछे वाले घर पे था, तो मैं सीधे इस पर रश कर देता हूँ। यहाँ पे मेरी प्रोन वाली टेक्निक काम आ जाती है और इस बंदे का एम चूक जाता है, तभी मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, इसके क्रेट लूट के यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ से जा ही रहा होता हूँ कि ये बंदा यहाँ पे प्रोन होके शायद कैम कर रहा था, फिलहाल इसको नहीं पता था। हम यहाँ पे इसको फिनिश कर देते हैं। सामने एक बगी थी, बगी उठाते हैं, यहाँ से निकलते हैं। फिलहाल अपार्टमेंट में कोई नहीं था, लेकिन जाते जाते ये बंदा दिख जाता है, इसीलिए मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरा लक अच्छा था कि मेरी गाड़ी इनके गाड़ी से नहीं भिड़ती है, और ये बंदे वापस लौट के मेरे ऊपर रश करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे M4 का स्प्रे काम आ जाता है और हम इनको फिनिश कर देते हैं। फिलहाल इसके क्रेट लूट के मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। फिलहाल मैं मिलिट्री बेस से जा ही रहा होता हूँ कि तभी सामने मुझे एक ड्रॉप दिख जाता है। मैं सोचता हूँ क्यों ना इन ड्रॉप वाले बंदों पे रश किया जाए।
यहाँ पे मैं इन बंदों की गाड़ी पूरी डैमेज कर देता हूँ ताकि ये बंदे यहाँ से निकल ना पाए और खुद को फुल बूस्ट कर लेता हूँ। बस मुझे एक बात का डर था, कहीं इस बंदे को ओम ना मिल गई हो, इसीलिए मैं पीक नहीं देना चाहता था। और यही होता है, इस बंदे को AWA मिल गई थी, इसीलिए मैं गाड़ी पे स्मोक करके यहाँ से निकलता हूँ। यहाँ पे मैं कोई गलती नहीं करना चाहता था क्योंकि सामने वाले बंदे के पास AWM थी, इसीलिए मैं गाड़ी पे स्मोक करके सामने सेफ जगह पे जाता हूँ। इन बंदों को काफ़ी डैमेज पड़ता है, लेकिन ये अपनी दूसरी गाड़ी लेके निकल जाते हैं। मैं भी सोचता हूँ पहले जोन में जाया जाए, फिर आगे इनसे फाइट लेंगे। यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही बात का डर था कि कहीं ये बंदे ब्रिज कैंप ना कर रहे हो, अगर ब्रिज कैंप कर रहे होते तो इनसे बचना मुश्किल हो जाता। फिलहाल हम जोन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फेरेज वाले बंदे ने ऑलमोस्ट मेरे को डेड कर दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे खुद को पहले हील करता हूँ। अगेन इस बंदे ने मेरी HP खा ली थी, इसलिए मैं खुद को पहले हील करता हूँ और सोचता हूँ यहाँ से निकला जाए क्योंकि ये लोकेशन सेफ नहीं था। फिलहाल मैं यहाँ पे एक गलती कर देता हूँ कि अपनी गाड़ी ओपन में रोक देता हूँ। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।